वो जो पुराना दुख जला रहा था ये उसकी दुनिया थी। वो अकेली 2/3 ऑफ टोटल इस्लाम की जानने वाली अल्लाह। उन्होंने फरमाया ये मलून बिन मलून बिन मलून है। साहिब रूहुल मानी ने बाद अज़ाले का जनीम इसकी तफसीर में एक ऐसी तफसीर लिखी है जो मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता, जिसने आले इल्म हज़रात सुबह निकाल के देखें उसकी किस तरह कबूल करता है। दुनिया का जलील तरीन काम है जो उस आदमी के जिम्मे है। जब ये वापस ले आए उनको उस सहाबे किराम रिदवानुल्लाह तआला अजमईन ने पूछा कि आप इनको क्यों वापस ले आए जब सरकार ने इनको निकाला भी था और हक एक को हुक्म दिया था इसको दूर करना। तो उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने कि सरकार ने मुझसे वादा फरमाया था, मैंने दरख्वास्त की थी, सरकार ने वादा फरमाया था कि मैं उन्हें वापस बुला लूंगा, लेकिन इसके रावी अकेले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला। अब खलीफा रसूल हैं, उनके बारे में ना कोई कमजोर राय हम कायम कर सकते हैं ना कोई बुरी बात कर सकते हैं, लेकिन सहाबा किराम ने इस पर बड़ा झगड़ा रखा कि आपको यह हक नहीं था इनको वापस लाते, अगर सरकार ने वादा किया था तो सरकार की जिंदगी में दोहराते और अगर नहीं दोहराया था तो उनके विसाल के बाद फिर आप दो पहले खिलाफतें गुजरी हैं उनके जमाने में क्यों नहीं दोहराया। बहरहाल ये सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन की बाहमी गुफ्तगू है, इस बारे में हम हिस्सादार नहीं है। हमने तो वो सरकार के जुबान मुबारक की जो इतला है मादर उस्मान मा अमिल अबाद यौम उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिशन की वो खिदमत की है, इसके बाद उस्मान कुछ भी करे तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो वो सरकार के उस इख्तियार को हम तस्लीम करते हैं, इसलिए इस बारे में कोई मजीद बात नहीं करते। उसको बुला के भी लाए और उसको बेटी का रिश्ता भी दिया। उसके बाद अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने इस बात का जिक्र किया कि जो बागे फिदक नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जनाब सैयदा खातून जन्नत ने मांगा था, मौला मुर्तजा उनके साथ थे, उनको कहा गया था कि इस्लामिक लॉ की रूलिंग ये है। इस पर भी मुहद्दिसीन को काफी इख्तलाफ हुआ कि रूलिंग का सबसे बड़ा जानने वाला तो हजरत अली मुर्तजा है, कानून विरासत के तो सारे फैसले वो करते रहे हैं, उनको क्यों पता नहीं। कायनात का एक अजीब मंजर है, लोगों ने मौत से डरते डरते हजारहा हकायक को ऊपर नीचे किया। आपके सामने बुखारी का वो मतलब आपको याद आना चाहिए। मौलाना हजरत इमाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हफिज तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फा अम्मा अहदुहुमा फबसस्तुहु। सरकार से दो बर्तन हासिल किए हैं, यानी दो तरह के उलूम हासिल किए हैं, उनमें से एक वो इल्म है, एक बर्तन मैंने आपके सामने उलट दिया बखेर दिया है, वो अम्बल आखिर फलो बसस्त हूं। ये बुखारी का मतन है कि अगर मैं वो बर्तन उल्टा कर देता, अगर उसको मैं बखेर देता, अगर उसके कंटेंट्स आपके सामने रख देता तो ये मेरी गर्दन मार दी जाती, मेरी गर्दन।